अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू मेरे प्यार प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यार प्यारे बहन भाइयों, आप जहाँ कहीं रहें, जिस मुल्क में रहें, जिस शहर में रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैंने कर दिया है वीडियो का आगाज़ और आपने रहना है मेरे साथ साथ। तो प्यार प्यारे व्यूवर्स, अब खाने लगे हम खाना, रात का हम करने लगे हैं डिनर। जी हाँ, तो डिनर में हमने दाल चावल बनाए हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। आसिफ बर्तन लगा रहे हैं, ला के रख रहे हैं, मैंने पका दिया है। मिलजुल कर काम करना चाहिए हस्बैंड और वाइफ को, तो इस वजह से आसिफ ने कहा कि मैं ले आता हूँ चावल उठा के, और दाल मैंने पहले ही रेडी करके रखी हुई थी। आज मैंने दाल पकाने की वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा चलो अब रोज़ ही दाल बनाने क्या वीडियो बनाए, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं। तो ये देखें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार लजीज से दाल चावल तैयार है। हम गरीबों को ये चावल और ये दाल है, देख लें, जिसका जिस बहन भाई ने खाना हो तो आके खा सकता है। ये देखिए जी, ये मसूर की दाल है और ये है, बहुत ही मज़ेदार बनाए हैं मैंने दाल चावल। और जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि अल्लाह ने जायका दिया और बिल्लों ने महफूज किया, तो ये बात है। तो आसिफ पी रहे हैं पानी और अब हम खाने लगे हैं। अभी रोशनी आसिफ तेज़ करके खाएंगे, कि ऐसे कम रोशनी में खाना नहीं खाते, तेज़ करके रोशनी खाते हैं खाना। मैं तो खा लेती, मुझे तो लगी थी भूख। हाँ, ये देखें जी, तेज़ रोशनी करके अभी देखना कमरे में रोशन हो जाएगा। और जब ये देखें जी, ये देखें जी क्या लाइटिंग की है आसिफ ने, तो ये देखें जी तेज़ हो गई है। तो मैंने कहा चले भाई आपको दिखाऊं, और डालती हूँ दूसरी वाली प्लेटें ले आते। खैर, ये हमारी प्लेटें हैं, वो आसिफ की बड़ी वाली है और ये मैं छोटी सी प्लेटें, मैं खाती नहीं हूँ बस। वैसे ही मेरा थोड़ा सा क्या बोलूँ, कुछ नहीं। तो प्यार पे भी बस ये देखिए, स्मार्ट हूँ मैं, स्मार्ट हूँ, स्मार्ट हूँ। तो चलें जी, आसिफ को भूख लग रही है, इससे पहले के ये खाना शुरू कर दें तो चलें मैं इनको डाल के दे देती हूँ। हाँ, लोग कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आसिफ बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो जी प्यार प्यार बहन भाइयों, इनको भूख लगी होती है, ज़ाहिर फैक्ट्री में जाते हैं ना तो सारा दिन खड़े खड़े होने का काम है, तो ज़ाहिर है जब इंसान सुबह से लेके शाम तक खड़ा रहेगा तो। तो मेरे प्यार प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, जी हाँ, मेरे कमरे की लुक चेंज है। क्या आपको चेंज महसूस हुआ, ज़रूर बताएं। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो ये देखें जी, आज हमने अपने गरीब खाने में, अपने गरीब बेडरूम में बचाया है कारपेट। ये देखें जी, तो ये फर्श बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो गया था। वैसे भी मुझे नीचे ठंड लगती थी, ऊपर सोऊँ तो मेरे कमर में दर्द हो जाता है। 6 महीने से मैं गर्मियों में नीचे ही सो रही थी, तो अब मैं 2 दिन बेड पे सोई हूँ तो मेरी कमर जवाब देगी। तो फिर मैं ना दर्द हो गया कमर में, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप नीचे ही लेटा करें। तो इस वजह से फिर मैंने, मेरी सिस्टर ने मुझे ये कारपेट भेजा था सियालकोट से, तो ये अब मैंने बिछाया। तो आप बताएं कैसा लग रहा है। ये देखें जी, ये एक छोटा सा टुकड़ा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कमरे की लुक चेंज हो गई है, बंदे को कभी कभी चेंज करना चाहिए। और देखें जी, ये गिफ्ट है आपको, मैं बताती हूँ ये मुझे किसने भेजे हैं। जी हाँ, ये मुझे किसी ने नहीं भेजे, ये मेरे मुझे हस्बैंड ने दिए हैं, ये आसिफ ने ला के दिए हैं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो ये देखें जी, शैम्पू तो वैसे ही डेली वो आता है, जिस तरह 3 महीने चलता है। और ये लोशन ला के दिए और वैसलीन ला के दिए, तो मैंने कहा चले भाई अपने प्यार पे व्यूवर्स से मैं शेयर करूँ। ये देखें जी, ये ला के दिया है, नज़र आ रहा है कि नहीं, लोशन, स्किन वाइट। तो ये देखें, मैं तो हूँ ही वाइट, लेकिन स्किन वाइट लोशन है। और ये देखें जी, और ये देखें वैसलीन है, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। तो ये है, ये गिफ्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, गिफ्ट ये है हम गरीबों के लिए, हस्बैंड ये चीज़ ले आए तो ये हमारे लिए गिफ्ट ही होता है। जी हाँ, तो प्यार पे भी बस मैंने कहा चलो भाई ये आपको से शेयर करूँ। तो देखें जी, और बिल्लो बाजी ने सर्दी में भी पंखा फुल लगाया हुआ, ये देखें, क्योंकि ये है कि बात ये है, असल में जो बात है कि ये देखें मेरे हाथों पे आपको मेहंदी लगी नज़र आ रही होगी, तो मुझे बाल कलर करने का बहुत शौक है। तो काफ़ी मैंने कहा फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, तो मेरी अम्मी महरूमा क्या करती थी कि सर्दियों में सर मैं लगाती थी मेहंदी, तो
और ब्लीच और मेहंदी मिला के लगाती थी, तो मम्मी कहती थी कि देखना तुम पागल हो जाओगी, सर्दी में मेहंदी लगाने से दिमाग को क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है बहरहाल। तो मम्मी कहती सर शाम हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर एक दिन वाकई मैंने लगाई तो मेरे सर में दर्द शदीद हो गया। उसके बाद मैंने तौबा कर ली, लेकिन अब मैंने कहा कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो मैं अपने बालों में ना मेहंदी लगा लेती हूँ, इस वजह से वो मैंने मेहंदी लगाई हुई अपने बालों में। तो ये देखें जी, दिखाती हूँ, नहीं हो रहा। चलो जी, तो प्यारे व्यूअर्स, नहीं दिखा सकी मैंने कहा मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये मुझे फ्रंट नहीं कर हो ही नहीं रहा, फ्रंट पता नहीं क्या हो गया, तो मैं दिखाती, मैंने मेहंदी लगाई हुई है अपने बालों में। तो ये है कि अभी सर्दियों का स्टार्ट है तो मैंने कहा पंखा खोल देती हूँ तो सूख जाएगी, तो उतना देर में फिर मैं वॉश कर लूँगी। तो मुझे अपने कलर किए हुए बाल मैट्रिक क्लास से मैंने शुरू किए थे करना, अभी भी मेरे जो शौक़ है मैं अपने बाल कलर करूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब मैं आ गई अपने रूम में और मैं लाई हूँ कहवा बनाकर। आज सर्दी है कराची में, तो बिल्लोबाजी का पंखा भी आज देख लें जी बंद है। तो सर्दी इतनी नहीं है कि कोई इतना कांबा छिड़ा हुआ है, यानी कि कपकपा रहे बंदे, ऐसा ही बात नहीं है, बस ये है कि सर्दी है, पंखा नहीं चला सकते इंसान। लेकिन फिर भी मैंने हल्का हल्का चलाया हुआ था, लेकिन अब ज़रा थोड़ा 2 बजे का टाइम है, 2:30 बजे का, तो फिर मैंने कहा चले चाय पीते हैं, चाय के साथ फिर मैंने कहा क्या खाएं, पापा और अनार भी मैंने निकाल के रखा हुआ था, ज़रा खट्टा मीठा निकल आया, खट्टा मीठा है तो इतना मीठा नहीं निकला, यानी कि लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है। तो फिर मैंने कहा पहले खाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं सर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने कहवा बनाया इसके साथ पापा खाने लगी हूँ। पापे हैं, पापा नहीं, पापे हैं दो, तो देखिए दो खा लेती हूँ या एक खा लेती हूँ, कुछ पता नहीं है कि मैं क्या खाऊँ। तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ ये भी शेयर करूँ, आज संडे है और आसिफ गए हुए हैं ऑफिस, क्योंकि सैटरडे को उनकी छुट्टी थी तो संडे को उन्होंने बुलाया हुआ है, तो इस वजह से संडे को ज़्यादा काम होता है। तो मैंने कहा चले भाई चाय किसके साथ एंजॉय करूँ, खुद पापों के साथ कर लेती हूँ, आसिफ तो है नहीं, पापा खा लेती हूँ। इस वजह से मैंने कहा चले, सफाई वगैरह मैंने कर दी थी सारी अपने और झाड़ दिया था हर चीज़, क्योंकि अंदर तो मेरी सारी चीज़ें, किचन सारा मेरा समझो अंदर ही सेट है, सारी चीज़ें अंदर ही है। तो मैंने कहा चले भैया आपके साथ शेयर करूँ, और मेरी वीडियो को लाइक करा करें, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे वॉच टाइम दे, मेरी प्लेलिस्ट चला दिया करें, वरना बिल्लोबाजी ने मूवी बनाना बंद कर देनी, अपनी वीडियो जड़ी है वो बंद कर जी हाँ मैं बंद कर दूँगी, मेरा दिल उचाट होता जा रहा है क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, इस वजह से ना व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर किया करें, कहने ना वैसे फ़ायदा नहीं, कोई करता नहीं है। चलें भाई अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी कम्युनिटी पे कर दिया करें, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए जी मैंने अपने सर में मेहंदी लगाई हुई है, तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ शेयर करूँ, ये भी दिखाई दूँ। तो फिर ये देखें जी, तो देखिए अब कलर कैसे आता है बालों में, बहुत ही खूबसूरत आता है। इसके बाद आप ब्लीच कर लें अच्छी सी, तो इतने प्यारे बाल हो जाएंगे आपके कि बस, इतने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं इसके लिए। और ब्यूटी पार्लर में तो बाल कलर करने के 2,000 ले लेते हैं, 2,200 ले लेते हैं, लेकिन मैं तो घर में ही कर लेती हूँ। बस मेहंदी ली 50 रुपये की, और उसमें डाला क्या डाला, उसमें डाला कहवा बना के उसका पानी डाला, और फिर ये इतना प्यार कलर आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे सोने सोने व्यूवर्स, ये देखें जी मेरे बाल कह रही हूँ, मेरे बाल कितने सोने कलर हुए हैं जी, हाँ मेरे बाल कितने प्यारे कलर हुए हैं। तो ये मुझे ड्राई बाल बहुत ही पसंद है, तो ये देखें जी हमेशा ही करती हूँ। तो इस मेहंदी में मैंने क्या मिलाया है, इसमें कहवा, और उसको छान के फिर मेहंदी को फिर 10 मिनट के लिए रख दिया, और फिर लगाई तो देखें कितना प्यारा कलर आया बालों का। तो कैसे लगे आपको मेरे ड्राई बाल, ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।